अवैध शराब पर सख्त। अंबाला पुलिस ने अवैध शराब का धंधा करने वाले लगभग 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिमांड के दौरान उनसे कई अहम जानकारियां आई सामने। अंबाला पुलिस ने खुलासा किया है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। अंबाला पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है, जिनसे पुलिस कई और अहम खुलासे होने की बात कह रही है। एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने का धंधा करने वाले आरोपियों के खिलाफ अंबाला पुलिस की लगातार धरपकड़ जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोगों के कई राज्यों से तार जुड़े हैं और अभी तक इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 12 सितंबर को एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने का पहला मामला सामने आया था। पहले एक ट्रक मिला और जिसमें एलोवेरा जूस के नाम पर सप्लाई के लिए जा रही शराब पकड़ी गई, जिसके बाद पुलिस ने अगले ही दिन अलग अलग दो गोदामों पर छापेमारी की, जिसमें से शराब की मोटी खेप पुलिस को बरामद हुई। मामले की तहकीकात आगे बढ़ी तो जांच में सामने आया कि वहां पर नकली शराब भी बनाई जाती है। केमिकल के माध्यम से नकली शराब बनाई जा रही है। बोतलें, लेबल सहित अन्य कई साक्ष्य सामने आए, जिसके बाद केस दर्ज किया गया। अभी तक इस मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में सबसे अहम बात यह रही कि पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो यहां से नकली शराब लेकर गुजरात में सप्लाई करता था। सर, ये शराब मिली है, कहां पर ये शराब पकड़ी गई है और क्या कुछ जानकारी दी गई है? हमें सूचना मिली थी कि देवीनगर बैरियर के पास गंदे नाले के में शराब को फेंकी गई है। मैं मौके पर पहुंचा तो शराब को बाहर निकलवा के नाले से उसकी गिनती कर रही हैं। ये जांच का विषय है और अफसरों को बता दिया गया है और जैसी भी स्थिति होगी बाद में बताई दी जाएगी। सर, अंदाजा कितनी संख्या में बोतलें हैं क्या कुछ? ये देसी दारू लग रही है और कुछ पौवे हैं 777 के, इनकी गिनती करने के बाद ही पता लगेगा कि ये कितनी मात्रा में है। देखिए, जैसा आपके सामने है सब कुछ, पिछले सितंबर में 12 सितंबर की बात है, जो हमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली थी। हमारे पास इनपुट्स ये थे कि यहाँ पे शराब माफिया का काफ़ी काम है, चाहे वो असली शराब को, असल शराब को गलत ढंग से उसकी स्टॉकिंग हो या उसको बाहर भेजना हो, एक्साइज ड्यूटी बचा के भेजना हो, या फिर कोई नकली शराब का भी यहाँ पे बनाने का धंधा जो है पुरजोर था। तो उस पर हमने इन्फॉर्मेशन पे हमने जैसे कार्रवाई की तो हमें एक ट्रक मिला, जो ट्रक था जिसमें वो शराब भरी गई थी। जब वो ट्रक पकड़ा गया तो उसके बाद हमें बहुत सारा जानकारी मिली, बहुत खुलासा हुआ। उस ट्रक में जो शराब थी वो शराब उस ट्रक में नहीं जानी चाहिए थी, वो ट्रक में एलोवेरा जूस जाना चाहिए था, जिसके नाम पे वो शराब उसमें भरी गई, एलोवेरा जूस के नाम पे भरी गई। आगे तफ्तीश में हमें बहुत सारी जानकारी मिली, उस जानकारी पे हमने गोदाम पे रेड करी तो उस गोदाम में हमें भारी मात्रा में अंग्रेज़ी व देसी शराब मिली है। उसके आगे जब जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में हमने प्रोसीड किया तो हमें एक और गोदाम की जानकारी मिली, एक और गोदाम पे हमने रेड करी तो उस गोदाम में भी हमें भारी मात्रा में शराब मिली। इसके साथ साथ जो शराब मिली उसके साथ साथ वहाँ पे हमें और बहुत इक्विपमेंट मिला, जिसमें पता लगा देखने से जो मालूम हुआ कि वहाँ पे नकली शराब भी बनाई जाती है या शराब बनाई जाती है जिस तरीके से वहाँ पे उसका सारा इस्तेमाल होता है, जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है या स्पिरिट का इस्तेमाल होता है शराब बनाने के लिए। शराब बनाने के लिए वहाँ पे जो है चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेबलिंग के लिए चीज़ों का इस्तेमाल होता है, बॉटल्स का इस्तेमाल होता है, तो वो सारा इक्विपमेंट हमें उस गोदाम में पड़ा हुआ मिला। तो जिस पे हमने आगे कार्रवाई की, हमने केस रजिस्टर किया अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ लॉ और उसमें आगे हमने फिर गिरफ्तारियां शुरू की। जैसे हमने लीड मिलती गई, हमने लिंक जोड़ते गए और आगे से आगे हमें उसमें हमने गिरफ्तारियां की और अब तक हम इसमें 17 जो मुलजिम हैं, जो अक्यूज्ड हैं, उनको हम गिरफ्तार कर चुके हैं। और वो सारे एक्यूज्ड वो हैं जो किसी ना किसी तरीके से इस केस में इन्वॉल्व थे, चाहे वो शराब गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, चाहे वो एक डिपो होल्डर है, जो एलतेरा गोदाम होते हैं, गोदाम होता है उसके होल्डर हैं, चाहे वो उसमें आपके लेबलिंग करने वाले मजदूर हैं। और जो मेन लिंक था इसमें, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें होती हैं, जहाँ से सब शराब आ रही है, जहाँ पर शराब पकड़ी गई है या जहाँ पर शराब जानी है, उसमें देखते हुए हमने जो मेन इसके अंदर आदमी आ रहा था गुजरात का, जो कि आगे यहाँ से गुजरात शराब जाती थी, उस आदमी को भी हमने गिरफ्तार किया है। और उसके ही डिस्क्लोजर पे आगे हमें बहुत सारी जानकारी मिली है, बहुत सारी लीड्स हैं।